नमस्कार दोस्तों, दुनिया में जैसे जैसे हम चिकित्सा, अंतरिक्ष अन्वेषण आदि के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास कर रहे हैं, उसी प्रकार रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी विकास काफी तेजी से हो रहा है। भारतीय वायुसेना में 4.5वीं पीढ़ी के विमान राफेल को शामिल किए जाने के बाद अब हर कोई 5वीं पीढ़ी के विमानों के बारे में जानना चाहता है। दुनिया में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के युग की शुरुआत 2005 में अमेरिकी वायुसेना में शामिल लॉकहीड मार्टिन के F-22 रैप्टर से मानी जाती है। आज 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भारत, चीन, रूस, जापान, तुर्की, यूरोप और दक्षिण कोरिया जैसे कई देशों के पास या तो बन चुके हैं या विकास के चरण में है। वैसे आपको बता दें कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट की कोई सटीक परिभाषा तो नहीं है, लेकिन 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट में उन्नत एवियोनिक सुविधाओं के साथ साथ अत्याधिक कंप्यूटर सिस्टम, स्लिप तकनीक, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रडार LPIR और उच्च प्रदर्शन एयरफ्रेम जैसे सभी सबसे आधुनिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे विमानों को फिलहाल 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर 5वीं पीढ़ी के विमानों के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे छोटे से प्रयास इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। सेनयांग J-31 चीन। दोस्तों, मध्यम आकार के दो इंजन वाले इस विमान को गिर फैल्कन या फैल्कन हॉक भी कहते हैं। इसे साल 2012 में ही बना लिया गया था, लेकिन मौजूदा वक्त में ये अंडर डेवलपमेंट में है। टाई TFX तुर्की। दोस्तों, टर्किश एयरोस्पेस इंडस्ट्री 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान TFX बना रही है। इसी के साथ तुर्की भी अमेरिका, रूस, चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया समेत उन देशों की कतार में शामिल हो गया है जो 5वीं पीढ़ी के विमान बना रहे हैं। मित्सुबिशी X2 सिनसिन जापान। दोस्तों, जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टेक्निकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान STD-X Shinshin बनाने का प्रोजेक्ट दिया है। ये जापान का पहला घरेलू लड़ाकू विमान होगा। KAI KFX दक्षिण कोरिया। दोस्तों, KFX एक मल्टी रोल 5वीं जेनरेशन लड़ाकू विमान है जिसे कोरियन गणराज्य और इंडोनेशिया की वायुसेना के लिए तैयार किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया में निर्मित यह दूसरा लड़ाकू विमान है। हल अमका भारत। दोस्तों, भारत का प्रयास दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल होने का है जिनके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। DRDO हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जरिए एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहा है। ये दो इंजन और सिंगल सीट वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान खुफिया तरीके से दुश्मन के परखच्चे उड़ाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस एयरक्राफ्ट में स्टिल्थ फीचर के साथ साथ उन्नत एवियोनिक्स, अत्याधिक अधिकृत कंप्यूटर सिस्टम और आधुनिक एयरफ्रेम होगा। ये विमान 2030 तक पूरी तरह बन जाएगा। चेंगदू J-20 चीन। दोस्तों, चीन का चेंगदू J-20 को ब्लैक ईगल भी कहते हैं। ये एक सीट और दो इंजन वाला विमान है। हालांकि चीन इसे एज उन्नत क्षमता का मल्टी रोल लड़ाकू विमान कहता है, लेकिन सच इसके उलट है। इस विमान के क्षमता के ऊपर दुनिया भर में कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। F-35 लाइटनिंग अमेरिका। दोस्तों, युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के F-35 को जाना जाता है। इस लड़ाकू विमान को 3 कैटेगरी में तैयार किया गया है। यह अमेरिका का उच्च मारक क्षमता वाला बजट फ्रेंडली मॉडल बताया जाता है, जिसे अमेरिका के साथ साथ बहुत सारे नाटो देश भी इस्तेमाल करता है। Sukhoi-57 रूस। दोस्तों, Su-57 दो इंजन वाला लड़ाकू विमान रूसी वायुसेना के लिए तैयार हो रहा है। यह MiG-29 और Su-27 का
उत्तराधिकारी हो सकता है। हाल ही में रूस इसका झलक पूरी दुनिया को दिखा चुका है। F-22 रैप्टर अमेरिका। दोस्तों, पहले नंबर पर अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन का F-22 है। यह सिंगल सीट और दो इंजन वाला गुप्त तकनीक वाला लड़ाकू विमान है। इसे खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी, टोही और इलेक्ट्रॉनिक हमले सहित कई विभिन्न अभियानों के लिए तैयार किया गया है और फिलहाल इसे दुनिया के सबसे घातक पांचवी पीढ़ी के विमान के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे देश अपने अपने पांचवी पीढ़ी के विमानों पर काम कर रहा है, जिनमें ईरान के हिसा F-313 काहिर, अमेरिका के बोइंग सब T-7 रेड हॉक जैसे पांचवी पीढ़ी के विमान शामिल है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे बेहतरीन पांचवी पीढ़ी के विमान। आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।